माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम टू माय चैनल द्वारिकानाथ दुबे। आज मैं होलिका दहन और होली के बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि होलिका दहन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भतीजे प्रहलाद को जलाकर मारना चाहा था, लेकिन वो खुद ही जलकर आग हो गई। विष्णु भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गए। ये कहानी सबको मालूम है, लेकिन यह कम लोग जानते हैं कि ये घटना भारत में कहाँ की है। इसलिए हमने खोज की और ये पता चला कि यूपी के झांसी जिले के 80 किलोमीटर दूर ये एरच कस्बा पड़ता है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहाँ होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती चिता में बैठी। इसके बारे में बताऊंगा कैसे प्रहलाद बच गए। तब तक आप हमारी सोसाइटी में जो होली सुबह से स्टार्ट हुई और उसका आनंद भी आप लेते रहिए। यहाँ होली पर प्रहलाद के साथ साथ माँ होलिका की भी जय बोली जाती है एरच कस्बे में। ऐसी मान्यता है कि जो होली पर यहाँ आकर होलिका कुंड में अपनी नाक रगड़ता है या अपनी मनोकामना मानता है उसकी पूरी होती है। हिरण्यकश्यप ने एरच को अपनी राजधानी बनाया, जिसका भागवत पुराण स्कंद में भी हिरण्यकश्यप की नगरी का जिक्र आया है। सतयुग में इस जगह का नाम एरिकक्ष था। हिरण्यकश्यप ने इसे अपनी राजधानी बनाया था और इसके प्रमाण आज भी यहाँ मौजूद हैं। प्राचीन काल में यह टीला 400 एकड़ में फैला था, जो अब सिमटकर मात्र 50 एकड़ रह गया। नदी के तलहटी से बाहरी दीवारों पर सारे विशाल काय दीवारें नजर आती हैं। हिरण्यकश्यप के इसी टीले पर प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद की विश्व भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने के कई प्रयास किए। अब प्रसंग ये उठता है कि हिरण्यकश्यप विश्व भक्ति से क्रोधित क्यों होता था? क्योंकि अपने भाई को विष्णु ने राजा बलि को धोखा दिया था और इससे वो विष्णु से बहुत क्रोधी था और उसने ब्रह्मा से तपस्या करके और वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं न बाहर न अंदर, न थल में न आकाश में, न मनुष्य से न जानवर से, बहुत सारे अपने एक तरह से अमृत प्राप्त कर लिया था। और इसी बीच वजह से अपने आप को जब उसको वरदान मिल गया तो अपने आप को अमर समझकर और खुद की पूजा करने के लिए बोला और अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा नहीं होगी ऐसा सूचित कर दिया। उसी के घर में प्रहलाद का जन्म हुआ और जन्म से ही जब बोलने योग हुआ प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। हमेशा नारायण नारायण की जाप करता और पूजा करता। अब एरच की बेटी होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसके बारे में बताता हूँ कि ये होलिका दहन से 2 दिन पहले से एरच गांव में मातम मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग एरच की बेटी होलिका को अपनी बेटी मानते हैं। और उस जगह का नाम एरिकच्छ भी था। राहु भी होलिका का ही पुत्र था, इसी वजह से एरच में कभी राहु काल नहीं लगता। मान्यता है कि होलिका को ब्रह्मा जी ने 3 बड़े वरदान दिए थे। पहला वरदान, वह संसार के 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को अपने वश में कर सकती। दूसरा वरदान था किसी भी जीवित वस्तु को आकर्षित करना। तीसरा वरदान, उसके पास ऐसी चुंदरी थी जिसे ओढ़ने पर इंसान को आग भी नहीं जला सकती। अब हिरण्यकश्यप के आदेश के अनुसार होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर और अग्नि कुंड में बैठ गई भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए। जैसा कि उसको वरदान था, जो चुंदरी में अपने ओढ़ के और भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ गई, ऐसे में मान्यता है, कुछ लोगों की मान्यता है कि
द्वारिका को कुछ शाप की वजह से वो राक्षसी बन गई थी, और अपने शाप मुक्त होने के लिए उसने देखा कि इससे अच्छा कोई समय नहीं है। अपनी उस चुंदरी से भक्त प्रहलाद को ढक दिया, लपेट दिया, और खुद अग्नि में बैठ गई, जिसके कारण से होलिका खुद जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तभी से यहाँ होलिका दहन तो मनाया जाता है, साथ साथ होलिका की भी पूजा होती है और होलिका को देवी मानते हैं। इस गांव की आबादी करीब 10,000 है, जहां 60% हिंदू और 20% मुसलमान हैं, और दोनों मिलके होली मनाया करते हैं और होलिका दहन मनाते हैं। अब होली का त्यौहार जो आज देख पा रहे हैं हमारी सोसाइटी में चल रहा है, आनंद उठा रहे हैं लोग, ये जब इतने बड़े राक्षस हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो पूरे धरती पर और आकाश में हर जगह खुशी का आनंद बिखर गया, और इसी तरह से शुद्धि के लिए शाम के वक्त सब लोग लकड़ियां इकट्ठा करके और होलिका दहन की प्रक्रिया करने लगे हर एक जगह पर पूरे देश में, भारतवर्ष में। और अगले दिन रात्रि का समय जो उसकी शुद्धि के लिए जो अग्नि जलाई गई, होलिका दहन किया गया, उसकी खुशी में देवलोक से देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की, और वो पुष्प वर्षा रंगीन होने का होली के रूप में मनाया जाने लगा। इस तरह से आप देख रहे हैं हमारे सोसाइटी में भी खूब होली का आनंद लिया गया और सब लोग मनाए। साथ में इस चित्र के साथ साथ मैंने उचित समझा कि होली के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान बांटूं आप लोगों के बीच में। वैसे तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं होली और होलिका दहन की, ये सतयुग की बात है जो भी मैंने बताया, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद सतयुग की बातें हैं। इसके बाद त्रेता में भी होली मनाई गई, द्वापर में भी कृष्ण ने होली मनाई, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानियाँ। मुख्य रूप से पूजा करना, होली का आनंद उठाना, और होली वास्तव में अनादिकाल से बहुत बड़े उदाहरण मिलेंगे आपको। हमारे इतिहासकार भी लिखते हैं 16वीं शताब्दी में भी मुस्लिम लोगों ने भी होली मनाई, और बहुत कुछ एरज गांव के प्रमाण भी मिले थे, अभी भी मिले हैं चित्रकला। और इसी के साथ ही हम लोग लास्ट में नाच गाना ख़त्म होने के बाद पूरी सोसाइटी वाले फिर से नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के और एक जगह अपनी सोसाइटी के ही प्रांगण में जाकर, और लंच की व्यवस्था है वहाँ पर, सारे जलपान किए। ये होली का त्यौहार हमारी सोसाइटी में हर साल मनाया जाता है बड़े धूमधाम से, और इसका आनंद लेते हैं, डीजे बजाते हुए, चाय पकौड़े का वितरण होते हुए, अलग अलग तरह के अलग अलग रस्मों रिवाज से परिपूर्ण और खुशी का त्यौहार वास्तव में आपको देखने योग्य होगा, जो आप चित्र में देख पा रहे हैं वीडियो के जरिए। वास्तव में प्रसन्नता का त्यौहार होली आज देश विदेश में जहाँ भी बहुत कम जनसंख्या ही, ये त्यौहार भारत और नेपाल में पूर्ण रूप से मनाया जाता है। इसके अलावा जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं वो भी होली के दिन, और नहीं तो वीकेंड में मनाकर होली का आनंद लेते हैं। साथ साथ में दूसरे देशवासी भी, जो दूसरे धर्म वाले भी, सब मिलजुल कर आजकल होली का त्यौहार मनाने लगे, और ये वीडियो बनाते हुए मुझे भी अपार हर्ष हो रहा है। आशा है आप लोगों को ज़रूर आनंद आया होगा। इसी के साथ ही आपसे अनुरोध है
अगर अच्छा लगे तो लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ही हम अपना ये प्रस्तुति समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। संपूर्ण वर्ष होलिका दहन से खुशियों से भरे एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। धन्यवाद।